नोटबंदी की हकीकत सामने आ गई है। 22 महीनों बाद आरबीआई नोट गिनने में पूरी तरह कामयाब हुई है। 99.3% नोट जो है आरबीआई के पास वापस आ गए हैं। कहा था काला धन वापस आएगा। नंबर एक बात, ये ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ होगा कि काला धन, लोग कहेंगे काला धन है और ये मेरा बैंक में मेरे खाते में जमा कर लो। काला धन वो होता था जिसकी अकाउंटिंग नहीं होती थी। कोई आदमी अपने काले धन को बैंकों के अकाउंट में नहीं जमा करता था। 99.3% नोट वापस आने का मतलब है कि सारे की सारी करेंसी वापस आ गई। हाँ, याद रखें, इसमें जो केस प्रॉपर्टीज़ में पकड़ी गई करेंसी है, जैसे कोई 2 करोड़ रुपया सांसद में पकड़ा गया था और नोट पकड़े जाते हैं, पिछले कई सालों से सीबीआई या स्टेट पुलिस की कस्टडी में है, वो नोट कस्टडी में ही पड़े हैं 500 और 1000 के, वो नोट वापस नहीं आए हैं। तो और दूसरा, हर एनआरआई के पास कुछ 500 2000 1000 नोट होते हैं और बहुत सारे एनआरआई ऐसे छोटे अमाउंट बदलने के लिए वापस नहीं आए। तो वर्चुअली अगर देखा जाए तो 100% या उससे भी ज़्यादा करेंसी वापस आ चुकी है, एक भी पैसा कहीं डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। 4 मोटिव गिनाए गए थे जो प्रधानमंत्री द्वारा जब 22 महीने पहले वो नोटबंदी करी थी। काला धन वापस आएगा, सारा का सारा धन वापस आ गया, काला उसमें क्या है किसी को पता नहीं। हाँ, अब सरकार दावे करती है कि भाई हम बड़े नोटिस इशू हुए हैं, इतने नोटिस इशू हुए। सिर्फ नोटिस इशू हुए हैं, नोटिस तो रूटीन में भी इशू होते हैं, पर काला धन कितना पकड़ा गया है, कितना सरेंडर हुआ है, इसकी कोई गिनती कहीं पे भी नहीं है। नंबर 2, आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी। जम्मू कश्मीर में हमने देख लिया, आतंकवादियों की कमर तो नहीं टूटी पर सरकार जरूर टूट गई। इतने साल रहने के साथ सरकार को खुद छोड़ के भागना पड़ा, वहां से बीजेपी को और वहां की सरकार का ही साथ छोड़ना पड़ा, आतंकवादियों की कमर नहीं टूटी। तीसरा था कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो बढ़ेंगे। डिजिटल ट्रांजैक्शन कुछ बढ़े पर फिर एक बार वापस जो है पुराने नोट बैंकों में गए, नए नोट वापस आए और नए नोटों से कैश का कारोबार पूरी तरह से जारी है। कोई भी बड़ी अचीवमेंट नहीं हुई। करोड़ों रुपए नोट छापने और उनको ट्रांसपोर्ट करने में, यहाँ तक कि इंडियन एयरफोर्स के हवाई जहाज भी यूज़ करने पड़े, वो है। रंग बिरंगे नोट छाप दिए, अलग अलग साइजों के नोट छाप दिए, बहुत सारे एटीएम्स में कितना पैसा बर्बाद हुआ उनको रिकैलिब्रेट करने का। अभी भी पूरे एटीएम हर तरह के नोट बाहर नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि हर नोट का साइज अलग है। ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि छोटा नोट बंद करके बड़ा नोट छाप दिया गया ताकि काला धन और ज़्यादा और आसानी से इकट्ठा होने लगा। तो मंतव्य क्या था, अभी बहुत सारे कह रहे हैं हमें तो डर है कहीं ये ना सरकार कह दे कि काले धन का या नोटबंदी का जो मेन मकसद था आज मकसद ही चेंज हो गया है। हो सकता है धीरे धीरे सरकार ये भी कह दे कि ये तो ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए था, ऐसा काले धन वगैरह के लिए नहीं था। तो आपके सामने रिजल्ट हैं, किस तरह लोग तंग हुए, कितने लोग तंग हुए, कितना पैसा देश का बर्बाद हुआ। और एक ही कहावत में संभव करेंगे, खोदा पहाड़ और इस केस में तो शायद चूहा भी नहीं निकला। धन्यवाद।